इसी चीज की स्टार्ट थोड़ी डिफिकल्ट होती है बस। और कुछ हेडिंग लिखो, राइट डाउन स्क्यू लाइंस, हेडिंग लिखो स्क्यू लाइंस। ठीक है, देखो स्क्यू लाइंस क्या होती है समझते हैं। जैसे ये देखो, ये दो लाइन है ना, क्या क्या कंडीशन बनती है दो लाइन के बीच में, दोनों लाइन ओवरलैपिंग हो जाए, या फिर दोनों लाइन कैसे हो जाए पैरेलल हो जाए, या फिर दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाए, या फिर एक केस और बनता है जो कि स्क्यू लाइन का ये वाला सिनेरियो है ना। इसको ध्यान से देखो कैसे दिख रहा है, इनके बीच में कुछ गैप दिख रहा है, गैप देखो। ऐसे देखोगे तो तुम्हें नजर आएगा कि ये पैरेलल है, बट दे आर नॉट पैरेलल इन जनरल, है ना। दिस दीज टू लाइन्स आर लाइक दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, दे आर नॉन कोप्लेनर, दोनों ना तो कोप्लेनर है और ना ही इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। तो इनको यदि मैं बनाऊं यहाँ पे स्क्यू लाइन्स को कुछ ऐसे बना लेते हैं कि लेट से ये एक लाइन है और एक दूसरी लाइन है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो अब देखो 2D में 3D बना रहे हैं, तो तुम्हें तो विजुलाइज करना पड़ेगा ये लाइन कैसी है। दिस इज L1 और ये L2 है, इनके बीच में एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ इस तरह से मैं प्रोजेक्ट कर देता हूं, है ना। तो ज्यादातर क्वेश्चन इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे बनते हैं कि मान लो ये A है, ए बी, तो ए बी क्या है, ए बी इज द, ए बी इज शॉर्टेस्ट टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। अच्छा, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की खासियत क्या होगी, ए बी की खासियत क्या होगी बताओ, कि ए बी जो है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू L1, पहली खासियत। दूसरी खासियत है कि जो ए बी वैक्टर की बात करें वो L2 पे भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला जो कंसेप्ट है, देखो ध्यान से, यदि हम इस पे ही वर्क करें, यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कंसेप्ट देखें, तो एक ऐसी लाइन होगी जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो, एक ऐसी लाइन जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो, दिख रहा है ना, दोनों पे परपेंडिकुलर हो, एक इंटरसेक्शन ए है दूसरा इंटरसेक्शन बी है, है ना, एक इंटरसेक्शन ए है दूसरा इंटरसेक्शन बी है, तो ए बी जो है L1 और L2 दोनों पे परपेंडिकुलर है, और ए बी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, मान लिया कि L1 मैं नाम ले लेता हूं L1 को कुछ x-x1/a1 ले लेता हूं, इज इक्वल टू y-y1/b1, z-z1/c1, ये एक लाइन है L1, ऐसी L2 नाम दे देता हूं x-x2/a2, y-y2/b2, z-z2/c2, बात समझ आई, ठीक है। तो देखो यहां पे एक पॉइंट, इस लाइन पे एक पॉइंट हमें आसानी से मिल सकता है, और उसका नाम कुछ नाम दे दो, पी नाम दे दो, बताओ पी, पी के कोऑर्डिनेट L1 पे क्या हम आसानी से ये कोऑर्डिनेट मिल सकता है, x1 y1 z1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे ही एक L2 पे Q पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकता है Q पॉइंट, और वो कौन सा है, x2 y2 z2। देखो लाइन को देख के पता चल रहा है कि इस पे एक पॉइंट है x2 y2 z2, ठीक है। अच्छा बताओ, लाइन L1 के अलोंग एक वेक्टर है A, जिसको अपन नाम दे देते हैं a1i + b1j + c1k, चलेगा इस लाइन के अलोंग। ऐसे ही इस लाइन के अलोंग दूसरी लाइन L2 के अलोंग एक वेक्टर है B, जिसका नाम है a2i + b2j + c2k,
बात समझ आई? तो एक बात बता सकते हो कि ए बी का जो वेक्टर होगा वो कैसा होगा? ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा, है ना? तो जो ए बी वेक्टर होगा क्या वो ए क्रॉस बी के अलोंग होगा? और लैम्डा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी होगा कि नहीं? कौन सा? बात समझा? ए बी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला जो पाथ है वो ए क्रॉस बी के अलोंग होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, समझे? जैसे हम देखें ये दो लाइन है, ठीक है, ये दो लाइन है, तो इसके अलोंग एक वेक्टर ए है, इसके अलोंग बी है, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो जो डायगा दोनों के परपेंडिकुलर आएगा कि नहीं आएगा? और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी है वो दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो ये जो वेक्टर आएगा वो ए बी के अलोंग आएगा। कितना आएगा हमें ये पता नहीं, इसीलिए लैम्डा लगा दिया, तो अपने आप लेंथ एडजस्ट हो जाएगी ये। तो ए बी के अलोंग वेक्टर क्या है? ए क्रॉस बी, ये ए पॉइंट लिख दो, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर अलोंग ए बी, नोट लिखो, ए क्रॉस बी, एक पॉइंट लिख दो बच्चा, ये ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर अलोंग ए बी, ए बी लाइन सेगमेंट के अलोंग एक वेक्टर है ए क्रॉस बी। और बहुत आसान है, पहली लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियो है, दूसरी लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियो, क्रॉस करोगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलोंग एक वेक्टर मिल गया हमें, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या पी क्यू वेक्टर मिल जाएगा, पी क्यू वेक्टर मिल जाएगा क्या अपन को? क्या पी क्यू वेक्टर मिल जाएगा बताओ? क्या है पी क्यू? कितना हो जाएगा? एक्स टू माइनस एक्स वन आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे प्लस जेड टू माइनस जेड वन ए। तो देखो पी क्यू वेक्टर मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया? पी क्यू वेक्टर मिल गया। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी है, क्या है? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी है दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन ए बी। फिर से सुनो, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी है दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन ए बी। बात समझा नहीं समझा? हाँ, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी है दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन ए बी। प्रोजेक्शन निकालना तो सीखा ही ना, आज भी सीखा, पहले भी सीखा था। क्वेश्चन ये कि ये कैसे है, मतलब थोड़ा विजुलाइज करें, तो मान लो ये ऐसा है ना सिनेरियो, और एक वेक्टर है ये पी क्यू वेक्टर है। थोड़ा अजीब से लग रहा हो, दिख रहा है क्या? कोशिश करते हैं थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये दो लाइन है, इनके शॉर्टेस्ट के अलोंग ये लाइन हो गई, है ना? मान लो, ठीक है, दिख रहा है ये बीच वाला जो है, जो जो ये क्या है, शॉर्टेस्ट के अलोंग है, ठीक है। और यहां पे पी पॉइंट है, यहां पे क्यू पॉइंट है, मान लो। तो पी क्यू ये लेंथ, ये वेक्टर है, ये हो गया पी क्यू वेक्टर, ऐसा हो गया, है ना, जिसको टच कर रहा है, पी क्यू वेक्टर हो गया। तो अब हमें क्या चाहिए? इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर। तो अपन क्या करें, इसको यहां पे शिफ्ट कर दें जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये थोड़ा ऐसे ऐसे घूमेगा, मतलब इंटरसेक्टिंग, और इसका प्रोजेक्शन लेंगे इसके ऊपर तो इतनी लेंथ आएगी, मतलब जो आएगा वो लेंथ कितना आ जाएगा, इतनी ही लेंथ आएगी। बात समझ आए? तो लिख दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी, लिखो यहां शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी इज प्रोजेक्शन ऑफ एक्शन ऑफ पी क्यू ऑन ए बी वेक्टर। पी क्यू का प्रोजेक्शन जो कि ए बी वेक्टर के ऊपर है, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।
क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं वो थोड़ी देर में बता देता हूं। पहले तुम्हें समझ में आना चाहिए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है क्या। तो लाइन गिवन है, दोनों के डायरेक्शन रेशियो है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो वेक्टर आएगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलोंग एक वेक्टर मिल जाएगा। इस लाइन पे एक पॉइंट है P, दूसरी लाइन पे एक पॉइंट है Q, PQ वेक्टर निकाल लीजिए तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो PQ का AB पे प्रोजेक्शन है। सिंपल सी बात है। तो प्रोजेक्शन तो हमें निकालना आता है कि नहीं आता है? तो जो लेट से ये डिस्टेंस D है, मतलब AB जिसको अपन D बना रहे हैं, दैट इज व्हाट PQ डॉट AB कैप, तो AB अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AB लिख दो, फॉर्मूला भी लिख दिया तुम्हारे साथ। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d आएगा वो आ जाएगा PQ डॉट AB अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AB, यही फॉर्मूला बन गया तुम्हारा। तो पूछेगा क्यों फिर? तो ए बी निकालने के लिए हाँ ये पता नहीं है ना, यही तो निकालना है, ये पता है सर, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, ए बी नहीं पता है, ए बी तो निकालना है। तो ए बी वेक्टर पता है, AB के अलोंग चाहिए ना हमें। देखो ध्यान से, AB के अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए, AB के अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए। तो AB के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? A क्रॉस B जो वेक्टर आएगा वो किसके अलोंग आ जाएगा? AB के अलोंग। एक वेक्टर आ गया, उसके वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए क्योंकि प्रोजेक्शन है, यूनिट वेक्टर मांगता है, यूनिट वेक्टर निकाल ही सकते हैं। एग्जैक्ट ए बी कितना है ये नहीं पूछा गया है सर, लेकिन ए बी का हमें मैग्नीट्यूड ही चाहिए ना। नहीं, हाँ ए बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ए बी के मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ए बी का मैग्नीट्यूड लगेगा। हाँ तो कहने का मतलब है, सुनो, ध्यान सुनो। जैसे ए बी वेक्टर है वो क्या है? लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी है ना। ए और बी दोनों ही पता है हमें, ए और बी दोनों ही पता है हमें। ए बी रिक्वायर्ड नहीं है अभी, हमें रिक्वायर्ड है ए बी कैप। ए बी कैप क्या हो जाएगा? लैम्डा ए क्रॉस बी अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, तो लैम्डा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो लैम्डा तो गायब ही हो गया है ना। बात समझ आई नहीं समझा? लैम्डा तो गायब ही हो गया क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, इसके अलोंग एक वेक्टर मिल गया ना हमें ए क्रॉस बी, तो उसके अलोंग यूनिट वेक्टर, सिंपल ये आ गया। सही है, हटा देता हूं मैं इसको। इनका क्वेश्चन है 2023 में आया हुआ है, राइट डाउन। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स x प्लस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 2 एंड x माइनस 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू z प्लस 3 बाई 0 इज a ऑप्शन 6 है, बी ऑप्शन 9, सी ऑप्शन 7 एंड डी ऑप्शन 8। जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसको।
तुक्का मत लगाओ, माइनस वन हो जाएगा। नाइन है क्या हुआ? नाइन आ रहा है? हाँ नाइन आंसर। देखो एक बार फिर से बता देते हैं ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लेते ये है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं आ रहा है, चलो एक बार बता देते हैं। मान लिए ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए, ए बी है ना, इस लाइन के अलोंग एक वेक्टर ए बना देते हैं, कितना देखो ध्यान से, आई माइनस टू जे प्लस टू के, और इसके अलोंग एक बी वेक्टर बना देते हैं जो दूसरी लाइन के अलोंग है, कितना आई प्लस टू जे प्लस जीरो के, ठीक है। अच्छा ए बी के अलोंग एक वेक्टर, तो अपन क्या चाहिए, ए क्रॉस बी चाहिए ना, पैरेलल टू ए बी होगा, ए क्रॉस बी पैरेलल टू ए बी होगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी निकाल देते हैं, आई जे के है ना, आई जे के ए कितना है, वन माइनस टू, वन माइनस टू टू, और बी कितना है, वन टू जीरो। सो यहां पे देखो ये जीरो माइनस फोर, माइनस फोर आई, और ये कितना जीरो माइनस टू प्लस टू जे आ जाएगा है ना, और के कितना आएगा प्लस फोर के, ठीक। तो इसको अपन लिख सकते हैं टू, टू कॉमन ले लेते हैं, लेट से टू कॉमन ले लेते हैं, माइनस टू आई प्लस जे प्लस टू के। सो बात समझ, हाँ मतलब हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, ए ए बी कैप चाहिए, ए बी कैप चाहिए, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस टू आई प्लस जे प्लस टू के डिवाइडेड बाय थ्री आएगा कि नहीं आएगा, चेक करो, चार सिक्स क्यों आएगा, ये तोड़ जाएगा ना अपने आप, इसीलिए तो हटा दिया है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि यूनिट वेक्टर ही चाहिए फाइनली हमें, ठीक है। और ये प्लस माइनस क्यों कर दिया, क्योंकि ए बी और बी ए दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे माइनस टू आई प्लस ए प्लस टू के बाई थ्री हो गया ए बी। अच्छा इस लाइन पे एक पॉइंट हमें पी पता है, पी कितना है बताओ, इस पे पहली लाइन, इस लाइन पे माइनस टू कॉमा जीरो कॉमा फाइव, और इस पे एक दूसरा पॉइंट क्यू पता है, दैट इज फोर कॉमा वन कॉमा माइनस थ्री। तो पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ, पी क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर फोर माइनस, माइनस टू सिक्स आई, वन प्लस जे, और माइनस एट के, माइनस एट के। तो ए बी जो होगा, ए बी इज, ए बी का लेंथ इज इक्वल टू कितना होगा, प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन ए बी, प्रोजेक्शन दैट इज पी क्यू डॉट ए बी कैप, ए बी कैप का मैग्नीट्यूड बना देते क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए, तो मैग्नीट्यूड लगा देते, तो पी क्यू डॉट ये कितना आ रहा है बताओ, इसके साथ डॉट कर देते हैं, माइनस ट्वेल्व प्लस वन, और कितना माइनस सिक्सटीन बाई थ्री का मैग्नीट्यूड, सो हाउ मच इट इज माइनस ट्वेंटी सेवन बाई थ्री, तो कितना नाइन आंसर है, नाइन आंसर मतलब दी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ आई कैसे करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले का आंसर, क्या हुआ एंड हुआ, हाँ इसको हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन, एक और है ना, आप गलत ना करना, क्वेश्चन लिखो,
इफ द शॉर्टेस्ट इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन द लाइन्स R is equal to minus I plus 3K plus lambda I minus AJ, comma R is equal to minus J plus 2K plus lambda mu times lambda नहीं mu times प्लस म्यू टाइम्स लैम्डा ऑलरेडी हो गया म्यू टाइम्स आई माइनस जे प्लस के इज रूट ओवर टू बाई थ्री देन द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए is equal to fill in the blank. और ये JEE main 2022 का क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ है. आंसर करो, आया क्या आंसर? क्वाड्रेटिक आ गया है. हाँ, एक्सपेक्टेड था. देखते हैं ठीक है. चलो मैं बता देता हूँ, है ना. चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, है ना. लेट से इसको नाम दे देते हैं P और इसको नाम देता हूँ Q, है ना. तो PQ वेक्टर कितना हो जाएगा बताओ. PQ वेक्टर बता दो, I कैप माइनस J माइनस K, ना 2K माइनस 3K इज K, है ना. PQ वेक्टर आ जाएगा. अच्छा, ये इसके अलोंग ये A वेक्टर बना देता हूँ और ये B वेक्टर बना देता हूँ. तो A क्रॉस B निकाल दे. A क्रॉस B मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलोंग आई जे के कितना होगा, 1 माइनस ए जीरो, वन माइनस वन वन. क्या ये बात समझे? ये समझा क्या? ए क्रॉस बी फोर है क्या? कितना? गलत जवाब. नहीं गलत. अभी देख लो, कोई बात नहीं. तो ये कितना आ जाएगा? तो माइनस माइनस ए माइनस जे, और ये कितना आ जाएगा, माइनस वन प्लस ए, ए माइनस वन के. ये आ गया, है ना. ये ए क्रॉस बी है, ठीक है. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है दैट इज कितना दिया हुआ है, रूट टू बाई थ्री इज इक्वल टू बताओ K.
क्या पी क्यू डॉट ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होगा कि नहीं होगा? देख लो ध्यान से, क्योंकि इसका हमें डायरेक्शन ही चाहिए था, डायरेक्शन। सो पी क्यू डॉट ए क्रॉस बी कर देते हैं, पी क्यू इसके साथ डॉट करो, कितना आ रहा है ये देखो, रूट टू बाई थ्री डॉट कर देते हैं इसके, माइनस ए प्लस वन, और यहां पे माइनस ए माइनस माइनस प्लस वन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन प्लस ए माइनस वन का होल स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। गलत जवाब, टू आंसर आ रहे हैं। अभी इसको सिंप्लीफाई करना, देखो ये कितना है, टू टू माइनस टू है। सो बेसिकली यहाँ पे हम स्क्वायर बोथ साइड कर दें क्या, तो कितना मिलेगा स्क्वायर बोथ साइड, तो टू टाइम्स ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन प्लस ए माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू थ्री टाइम्स, थ्री टाइम्स ये कितना टू माइनस टू ए का होल स्क्वायर है ना। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको उड़ाते हैं बच्चा। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, सो सिंप्लीफाई करो, और आई थिंक ये देखो इसको लिख सकते हैं फोर, कितना ट्वेल्व टाइम्स ना वन माइनस ए का होल स्क्वायर, तो टू टू उड़ा देते हैं, टू उड़ाने पे कितना मिलेगा देखो, ये टू कट कर दिया तो ये सिक्स मिला, सिक्स टाइम्स वन माइनस ए स्क्वायर, वन माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये कितना मिला लेफ्ट साइड बता दो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन इज इक्वल टू, राइट साइड कितना मिलेगा सिक्स ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन, सिंप्लीफाई करो उसको राइट साइड ले जाओ, फोर ए स्क्वायर माइनस ट्वेल्व माइनस टू माइनस टेन ए, सिक्स और ये प्लस वन है तो ये कितना प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, चेक दिस आउट, यही आएगा ना, सबको उधर ले जाओ तो ये क्वेश्चन मिल रही, देखो ध्यान से। अब ये कितना है बीस है, और यहां पे बीस है, वाह सर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फोर ए स्क्वायर माइनस सेवन ए माइनस टू आया, उससे सॉल्व होता है आंसर एट टू आ रहा है, टू आ रहा है ना, यहाँ पे कहाँ गलती है अपने, कुछ गलती फोर ए स्क्वायर माइनस सेवन ए होना चाहिए माइनस टू होना चाहिए, फोर ए स्क्वायर माइनस ट्वेल्व ठीक है माइनस टेन ए सिक्स, सही तो जा रहा है बच्चा, कहाँ गलती की है कैलकुलेशन एरर बता, तब आपने प्लस टू होना चाहिए कहाँ पे, टू ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस टू, टू कहाँ से आएगा सर, वो रूट में जो टर्म है उसका नहीं उस साइड में राइट हैंड साइड था, वो ए स्क्वायर सॉरी टू ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस टू आता है, अच्छा हाँ प्लस टू आएगा, सही कह रहे, ये प्लस टू आएगा ना, वन प्लस वन टू आ जाएगा, हाँ इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा है बच्चा, ये कितना हो रहा है यहाँ पे फोर, और ये कितना सिक्सटीन, आठ और दो, बिल्कुल सही है ना, सो बेसिकली चाहो तो टू से उड़ा सकते हैं इसको है ना, तो कितना आ जाएगा ये टू ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस टू इक्वल टू जीरो, सो टू ए माइन टू ए स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस ए प्लस टू इक्वल टू जीरो, टू ए कॉमन ले लेते हैं तो ए माइनस टू माइनस वन ए माइनस टू इक्वल टू जीरो, सो ए का वैल्यू हाफ आ रहा है और टू आ रहा है, ये दो वैल्यू मिल रही है, तो ये पूछ रहा है क्या
देन द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए इज, तो ए की इंटीग्रल वैल्यू 2 आ जाएगी, ये आंसर होगा। समझ आ रहा है? तो देखो थोड़ा कैलकुलेशन से बच के, कोई डाउट? राइट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अच्छा दो लाइन स्क्यू लाइन है ये कैसे पता चलेगा? होता ना दोनों का, दो लाइन स्क्यू लाइन है ये कैसे पता चलेगा? स्क्यू लाइन का इंटरसेक्शन नहीं हुआ, यदि इंटरसेक्शन हुआ तो स्क्यू लाइन नहीं है, और यदि इंटरसेक्शन नहीं है तो फिर वो लाइन स्क्यू है। एक क्वेश्चन लिखो, शो दैट लाइन्स x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/4 एंड x माइनस 2/3 इक्वल्स y माइनस 4/4 इक्वल्स z माइनस 5/5 आर स्क्यू लाइन्स। डिस्टेंस आ रहा है तो स्क्यू नहीं है, यदि डिस्टेंस जीरो आ रहा है तो नहीं, डिस्टेंस जीरो आ रहा है तो स्क्यू नहीं है, और सम डिस्टेंस आ रहा है तो फिर स्क्यू लाइन। वैसे भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। हाँ मिल रहा है कुछ, कितना मिला? 1/√6 मिल रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, तो मतलब स्क्यू लाइंस नहीं है। हाँ ठीक है, इफ देयर इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, इफ देयर इज सम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन देन स्टिल वी कैन से दैट टू लाइंस आर स्क्यू। हो गया, क्या निकाला? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला। तो अपन ना इंटरसेक्शन मेथड लगा लेते हैं कि इसको अपन क्या कर देते हैं, लैम्डा, और इसको म्यू के इक्वल। अच्छा जनरल पॉइंट इस पे यदि दो लाइन है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आई है मान लो, तो इस पे आई के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 2 लैम्डा + 1, 3 लैम्डा + 2 और 4 लैम्डा + 3 आ जाएगा। अच्छा इस पे भी यही पॉइंट आई है, तो म्यू के टर्म्स में यही पॉइंट किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? 3 म्यू + 2 कॉमा 4 म्यू + 4 5 म्यू + 5 ऐसा है। अब किन्हीं दो को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू देख लेते हैं, इन दो को इक्वेट कर देते हैं और इन दो को इक्वेट कर लेते हैं, तो 2 लैम्डा + 1 इज इक्वल टू 3 म्यू + 2 मतलब 2 लैम्डा - 3 म्यू इज इक्वल टू 1, और इन दो को इक्वेट करें तो कितना आ जाएगा? 3 लैम्डा - 4 म्यू इज इक्वल टू 2 ऐसा हो गया। इसको 4 से इसको 3 से कर देते हैं तो माइनस कितना आ जाएगा, और इसमें से ये सबट्रैक्ट कर देते 3 9 λ - 8 λ मतलब लैम्डा, और ये कितना हो गया 6 - 4 इज इक्वल टू 2, तो लैम्डा 2 आ गया। किसी इसमें पुट कर देते हैं इसमें, तो लैम्डा यदि 2 है तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 म्यू इज इक्वल टू 3, तो ये 1 आ गया, म्यू 1 आ गया। सो लैम्डा और म्यू मिल गया हमें, लेकिन अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा 4 λ + 3। यदि ये इसको सेटिस्फाई किया तो फिर इंटरसेक्टिंग है, ये जो भी लैम्डा और म्यू आया इसको सेटिस्फाई किया तीसरे कोऑर्डिनेट्स को, तो फिर ये इंटरसेक्टिंग है। यदि ये सेटिस्फाई नहीं किया तो हम क्या बोलेंगे? स्क्यू है। तो अभी आप पुट कर देते हैं तो कितना हो गया?
फोर इंटू टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव इंटू वन प्लस फाइव, तो आप बोल सकते हो इलेवन इज इक्वल टू टेन. नॉट पॉसिबल है ना, नॉट पॉसिबल. इसका मतलब है लाइंस आर इसके. बात क्लियर आए हैं, है ना. ड्रॉप कर देता हूं इसको. एक क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन. फाइंड द क्वेश्चन लिखो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन the lines x plus 1 by 7 equals y plus 1 by minus 6 equals z plus 1 by 1 and x minus 3 upon 1 equals y minus 5 upon minus 2 equals z minus 7 upon 1. इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ रहे हैं जेई मेन में, दो दो तीन तीन बार आ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ गड़बड़ कर लिया? हाँ, गड़बड़ तो कर लिया यार भाई. देवे बहुत सही, एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में इंसर्ट कर दिए. यहां से पूरे गड़बड़ कर दिया. Write down. Find the shortest distance between the lines x minus 3 by 3 equals y minus 8 upon minus 1 equals z minus 3 upon 1 and x plus 3 by 3 equals x plus 3 by minus 3 equals y plus 7 upon 2 equals z minus 6 upon 4. Full stop. Also find the equation of the line of shortest distance. Also find the equation of the line of shortest distance. नहीं, कैसे भी लिख दो, बेटर लिख दो, सिमेट्रिकल फॉर्म जो भी लिखना है. एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलोंग जो लाइन है उसको फाइंड करना है. अब तुम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला मत लगाना, दूसरा तरीका बताता है. अच्छा, कैसे पता चलेगा? सिंपल, इसके बारे में सोचो पहले. फॉरगेट अबाउट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? A क्रॉस B, तो लैम्डा A क्रॉस B. एक काम करते हैं, इसको लैम्डा रख देते हैं, इक्वल टू लैम्डा, और इसको रख देते हैं म्यू. चलेगा? तो इस पे जो A पॉइंट क्या हो जाएगा बताना. 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा प्लस 8
लैम्डा प्लस थ्री ए हो जाएगा ना, और इस पे एक दूसरा पॉइंट बी था, बी क्या हो जाएगा बताना, बी कितना हो जाएगा, माइनस थ्री म्यू प्लस माइनस थ्री म्यू माइनस थ्री कॉमा टू म्यू, नहीं टू म्यू माइनस सेवन और फोर म्यू प्लस सिक्स, ये हो जाएगा है ना। ये ए पहली वाली लाइन पे है, ये बी दूसरी वाली लाइन पे है, तो अपन ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं, ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। यह हमें पता चल गया ये इस वाली लाइन पे है, ये इस वाली लाइन पे है, तो ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, कितना आ जाएगा, इसके टर्म्स में ही निकाल सकते हैं, तो दिस ए बी या बी ए निकाल दो कोई भी यहाँ पे, इसमें से ये सेपरेट कर दो, तो माइनस थ्री म्यू माइनस थ्री लैम्डा माइनस सिक्स आई, और ये दिस माइनस दिस दैट करेंगे तो कितना मिलेगा, टू म्यू प्लस लैम्डा माइनस फिफ्टीन जे, और इसमें से ये सबट्रैक्ट करेंगे तो प्लस फोर म्यू माइनस लैम्डा प्लस थ्री के। देखो कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं है, दिस माइनस दिस करेंगे तो हाँ ठीक है, ये ए बी वेक्टर मिल गया ठीक है। अच्छा लाइन के अलोंग एक वेक्टर जो ए आता था पहली लाइन के अलोंग, क्या हो जाएगा बताना, इसमें थ्री आई माइनस जे प्लस के होगा कि नहीं होगा। देखो इस लाइन के अलोंग डायरेक्शन रेशियोस थ्री माइनस वन वन, थ्री माइनस वन वन, और इस लाइन के अलोंग एक बी वेक्टर कितना था बताना, माइनस थ्री आई प्लस टू जे प्लस फोर के, चलेगा दूसरी लाइन के अलोंग। तो अपन का क्या चाहिए, ए बी के अलोंग वेक्टर चाहिए ना, ए बी के अलोंग वेक्टर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी निकाल लेते, ए क्रॉस बी इज पैरेलल टू ए बी, ए बी वेक्टर होगा। दिस इंप्लाइज जो ए क्रॉस बी है ये हमें पता है ये पैरेलल है, और ए क्रॉस बी अभी हम निकाले लेते हैं, कितना आ रहा है बताना, आई जे के थ्री माइनस वन वन माइनस थ्री टू फोर, तो कितना आ रहा है बताओ, ये देखो माइनस फोर माइनस टू माइनस सिक्स आई माइनस फिफ्टीन, फिर यहाँ पे कितना, बारह प्लस तीन पंद्रह माइनस फिफ्टीन जे, और फिर कितना सिक्स माइनस थ्री थ्री के प्लस थ्री के। अच्छा एक थ्री बाहर निकालते हैं या माइनस थ्री बाहर निकाल सकते हैं, माइनस थ्री बाहर निकाल दें, टू आई प्लस फाइव जे माइनस के, चेक करो माइनस भी निकाल सकते हैं प्लस। तो देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं, पैरेलल हैं। यदि ये पैरेलल हैं तो ये दोनों कैसे होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे दोनों वेक्टर। प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि माइनस थ्री म्यू माइनस थ्री लैम्डा माइनस सिक्स अपॉन टू इज इक्वल टू, टू रख दिया इसको हटा दिया है ना, इज इक्वल टू कितना, टू म्यू प्लस लैम्डा माइनस फिफ्टीन अपॉन फाइव इज इक्वल टू फोर म्यू माइनस लैम्डा प्लस थ्री अपॉन माइनस वन, होगा कि नहीं होगा। अब किसी दो को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू निकालो जल्दी से फटाफट, कोई भी मतलब दो ही तो है, कोई भी, पहले तुम इसको सॉल्व करो, इन दोनों को लैम्डा म्यू में एक एक क्वेश्चन आएगी, और फिर जो आसान सी दिख रही कोई भी दो कर लो, फिर इन दोनों को सॉल्व करके एक लैम्डा और म्यू में एक क्वेश्चन बनेगी, और फिर बताओ लैम्डा कितना आ रहा है और म्यू कितना आ रहा है। अब ये तुम्हें ही सॉल्व करना है ठीक है, सॉल्व करके हमें अभी बताओ लैम्डा कितना मिल रहा है म्यू कितना मिल रहा है। कुछ भी कैलकुलेशन एरर नहीं करना है बच्चा, ना गड़बड़ हो जाएगी बात। और जेई मेन में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, दो तीन क्वेश्चन तो मैंने देख लिए हैं, तो आप उस पर ध्यान दो। हटा दें,
देखो इन दोनों को सॉल्व करने से कितना मिलेगा, देखो माइनस 15 माइनस 19, माइनस 19 लैम्डा माइनस 19 म्यू। अच्छा पता नहीं, हो सकता है माइनस 15 और माइनस 2 माइनस 17 लैम्डा और ये कितना माइनस 30 और माइनस 30, ये जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया, मतलब इक्वल टू जीरो आ गया। सो 19 म्यू प्लस 17 लैम्डा इक्वल टू जीरो, ये एक मिल गया। अब इन दोनों को सॉल्व करो, अच्छा ऐसा ही आ रहा है। तो देखो यहाँ पे माइनस 15 15, हाँ जीरो आ रहा है, सिंपल। देखो ये कांस्टेंट जीरो आ रहा है ना, कांस्टेंट टर्म जीरो आ रहा है, फिर भी कर लेते हैं। माइनस कितना, माइनस 2 म्यू और प्लस 20, तो सबको उधर ले जाते हैं, तो 18 म्यू और ये कितना, देखो यहाँ पे माइनस लैम्डा और माइनस 5 लैम्डा, इसको उधर ले जाते हैं तो कितना आएगा, माइनस 4 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा, ये माइनस लैम्डा माइनस 4 लैम्डा बचेगा। और ये देखो 15 और ये 15 इक्वल टू जीरो, ये सेकंड मिल गई, सेकंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करके समझ में आ रहा है कॉन्स्टेंट नहीं है, तो म्यू और लैम्डा दोनों क्या होने वाले, 0,0। अच्छा 0,0 है तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ए का कोऑर्डिनेट 3,8,3 और बी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -3, -7 और 6। ए मिल गया बी मिल गया, तो ए बी लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी नहीं मिलेगी, तो बताओ ए बी लाइन, ए बी लाइन की इक्वेशन क्या मिलेगी बताओ, इससे पास हो रहा है, इसी से पास करा देते हैं, एक्स माइनस 3 अपॉन ए बी का डायरेक्शन या इसके अलोंग ये कर देते हैं, तो 3 माइनस 3 कितना 6 इक्वल्स 8 से पास हो रहा है, वाई माइनस 8 अपॉन इसमें से ये सबट्रैक्ट करें तो कितना 15 और ये कितना जेड माइनस 3 अपॉन इसमें से ये सबट्रैक्ट करें तो -3। आप चाहो तो इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 3 कॉमन मल्टीपल है, तो कितना आ जाएगा एक्स माइनस 3/2 इज इक्वल टू वाई माइनस 8/5 इज इक्वल टू जेड माइनस 3/-1। ये आंसर आ गया, बात समझ आई, कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्या कंसेप्ट रहा। यदि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलोंग लाइन चाहिए, एक को लैम्डा एक को म्यू, जनरल पॉइंट ए और बी निकाला, ठीक है, तो ए बी वेक्टर निकाल दिया, ए बी वेक्टर जो है वो ए क्रॉस बी के पैरेलल होगा, तो ये प्रोपोर्शनल कर दिया। इन दो को सॉल्व करो एक इक्वेशन, इन दो को सॉल्व करो एक दूसरी इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करने पे लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी, जो कि यहां पे आई है 0,0। लैम्डा और म्यू की वैल्यू आते ही फिर आप पुट कर दीजिए, तो ए और बी पॉइंट मिल गया, ए और बी पॉइंट मिला तो फिर ए बी लाइन की इक्वेशन मिल गई, है ना। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे।